से लौट आया कोरोना वायरस। शनिवार को आए 2 साल में सबसे ज्यादा केस। चीन में फिर से लगाना पड़ गया लॉकडाउन। करीब 3 करोड़ लोग घरों में हुए कैद। चीन में जिसका डर था फिर से वही हो रहा है। यहाँ कोरोना वायरस ने फिर से पांव पसार लिए हैं। यहाँ इस वायरस से संक्रमित लोगों के हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दक्षिणी चीन के तकनीकी हब शेंजेन में तो जिनपिंग सरकार को फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ गया है। इसी के साथ शहर के करीब 1,70,00,000 से ज्यादा लोग अब घरों में बंद रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं हांगकांग में हाहाकार जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहां पर अधिकारियों ने कोविड-19 के 27,647 नए मामलों की पुष्टि की है। हांगकांग में और 87 लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई, जिन्हें मिलाकर अब तक यहां 3,729 लोगों की जान जा चुकी है। चीन में शनिवार को कोविड-19 के दैनिक मामले 2 साल में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए। अधिकारियों ने बताया कि यहां करीब 2,000 नए मामले सामने आए हैं। नए मामले मिलने के बाद बीजिंग में प्रशासन ने लोगों से कहा कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले। यहां तक कि लोगों को ये भी हिदायत दी गई कि जरूरी न होने पर शहर भी न छोड़ा जाए। बहरहाल पूरी दुनिया ने जैसे तैसे कोरोना पर कंट्रोल किया था, वहीं चीन में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ने से पूरी दुनिया फिर से चिंता में डूब गई है। अगर चीन ने कोरोना पर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले दिन और भयावह हो सकते हैं। टीम खबर अपडेट।